चार लोन ऐप से लोन चल रहा है। अच्छा कौन कौन सा एप्लीकेशन से? फटाक्टर से है, स्मार्ट पेन, सतस पेन, एम पॉकेट। उसका ड्यू 15-20 दिन, 1 महीने के ऊपर हो रहा है। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना आज? अब देखिए यही दिक्कत होती है कि नहीं आप रिपेमेंट कीजिएगा तो कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं और हरासमेंट करते हैं, यही सारा चीज़ मतलब ये लोग करते हैं। वो चीज़ हम लोग हटाते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर जो भी है ना हम लोग हटाते हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट। हाँ तो आपको जो भी है डिटेल मेरे पास भेजना होगा, आपका हट जाएगा। हाँ, अच्छा, ये एम पॉकेट की जो लिमिट है वो बढ़ेंगी, जो पेनल्टी है वो रुक जाएगी ना? वो तो सेटलमेंट करवाते हैं तब ना, रिकवरी एजेंट के द्वारा सेटलमेंट करवाते हैं चाहे कंपनी के द्वारा सेटलमेंट कराते हैं। अच्छा, तो बढ़िया है। बाकी हम लोग जो भी है आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट जो उनके पास गया है, नंबर वंबर सब अच्छा मतलब ये सब मतलब कि हटवा देंगे, कॉल मैसेज नहीं आएगा आप पर। अच्छा तो क्या कैसा क्या क्या करना पड़ेगा भाई अभी? पैन कार्ड, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लोन आईडी या लोन अमाउंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अच्छा लोन, अच्छा मैंने इंस्टॉल डेढ़ मार दिया था, आपको दोबारा जाना पड़ेगा ऐप में वो इंस्टॉल करके। हाँ तो इंस्टॉल कर लीजिए एप्लीकेशन, उसके बाद मतलब कि हम मेरे पास भेज दीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद हम लोग काम चालू कर देंगे, 1 घंटे में आपका जो भी है काम हो जाएगा। अच्छा बहुत ज्यादा कॉल आ रहे हैं, परेशान कर दे रहे, काम नहीं करा मेरे कुछ। नहीं तो वो सारा चीज़ हम लोग रिमूव करा देंगे, वो डिटेल आप भेज दीजिए ना। जो 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 देखिए जो एप्लीकेशन पर अगर कराना है, एक एप्लीकेशन पर कराना है या कोई भी अच्छा एप्लीकेशन पर कराना है तो मेरे पास डिटेल भेज दीजिए, आपका हो जाएगा काम। ठीक है भाई। अच्छा ठीक है ठीक। पेमेंट मतलब फीस वगैरह आपने कितनी है? वो तो लोन अमाउंट के हिसाब से लगेगा ना, वो हम उनके अच्छा पास भेजेंगे, सतश पेंसिल, शेयर करेंगे, वो बताएंगे, उस हिसाब से लगेगा। चिंता मत कीजिए, ज़्यादा नहीं लगेगा, उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। से 4,000 5,000 का लोन चल रहा है। अच्छा नहीं तो ज़्यादा नहीं लगेगा, उसका टेंशन आप मत अच्छा लीजिए, ठीक है। भेजिए ना, भेजिए, हम देखते हैं, बताते हैं आपको, भेजते हैं उनके पास। ठीक है सर, मैं भेजता हूँ बाद में, ठीक अभी है मैं ठीक काम पर हूँ। है ठीक है ठीक है ठीक। चलिए दोस्तों यहाँ पर कॉल करते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए दबाकर। आधा अधूरा कभी भी आपको वीडियो नहीं देखना, आधा अधूरा कभी भी वीडियो देखिएगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, कोई भी वीडियो देखिए तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, लास्ट तक आप देखते रहिए, आधा अधूरा वीडियो आपको नहीं देखना है। चैनल को भाई लोग आप लोग जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हाँ भाई बोलिए, बताइए। हेलो। हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज आ रही है आपको, क्या हाँ वो बिरयानी, वो चीज? उसका वो रात में तो भेज दिया था ना आपको रिमूव का, हाँ, तो अभी हम उनको पूछ कर अच्छा बताते हैं, आपका हो गया है, टेंशन मत लीजिए, हो गया है, समझ गया है। हाँ 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 फिर वो भेज दीजिएगा फिर भी। ठीक है, हम भेज देंगे आपको, उसका टेंशन मत लीजिए। कॉल मैसेज आया है सब? कॉल देखो जी, क्या है मूवी पे का ना आज भी आया था अच्छा कुछ, तो मूवी पे कैसा आया था, उसपे नाम लिखा रहा था, मैसेज मैसेज में आ रहे हैं, व्हाट्सएप नहीं आ रहे, मैसेज आ रहे हैं। जो नॉर्मल मैसेज है वो मैसेज में आ रहे हैं, मेन नंबर पर ना। हाँ हाँ नॉर्मल मैसेज, हाँ मेन नंबर पर। हाँ हाँ नहीं तो मेन नंबर हाँ पर मेरे आएगा, नंबर समझ पे आ गए, रहा है। जो मेन नंबर है ना उस मेन नंबर पर आएगा, अच्छा क्योंकि सिविल का मैटर करता है ना, सिविल स्कोर का मैटर करता है। अच्छा अच्छा हाँ, हाँ तो ये चीज़ है। पर उसपे कॉल जो है, कॉल मेरे पे आएगा। हाँ। हेलो, जो मेन नंबर है कॉल भी उसी, आएगा नहीं मेरे पे? जो मेन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल नहीं जाएगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल नहीं जाएगा। अच्छा कौन,
अच्छा, बाकी मेरे नंबर पे वो आएगा, मैं तो मैसेज में आएगा और कॉल आएगा बस, व्हाट्सएप पर इन सब पे नहीं आएगा ना? ना ना वो सब पे नहीं आएगा। अच्छा, और बाकी तो ये होम विजिट का ये तो कर ही सकते हैं ये लोग। हाँ वो डिपेंड करता है लोकेशन कौन सा डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, वो चीज का तो राइट है, वो होम विजिट कर सकते हैं मतलब ना। वो देखे लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। राइट तो ये भी इनका पास नहीं है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक करे, लेकिन कॉन्टेक्ट लिस्ट तो लेते हैं ना, है कि नहीं? अच्छा, ये इसीलिए लेते हैं, इसीलिए लेते हैं ना कि कॉन्टेक्ट लिस्ट। मेन मेरा ये है कि मेन मेन जो है मेरा इसीलिए हुआ है कि जो है बस मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे फोन ना जाए, इसलिए डाटा रिमूव हुआ है। अच्छा, इसका भी बता दीजिए, भेज दीजिएगा मेरे को और मैं औरों का भी करवाता हूँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, कॉम्प्लीटली का भी है, मैंने आपको भी हाँ बताए थे, आप बताए थे। हाँ, तो पहले इसका किस्त वाले का मुझे वो भेज दीजिए, फिर मैं औरों का भी करवाता हूँ ना। ठीक है ठीक है, जो मैंने बताया था अकाउंट नंबर तो है नहीं, खाली ऐप है। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए दोस्तों कॉल करते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए, अंत तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए। आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बता देना चाहता हूँ, आधा अधूरा कभी भी आपको वीडियो नहीं। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो, नमस्ते भाई, बताइए। हाँ सर नमस्ते, बताइए। ये मतलब स्नैप से एक बार मैंने लिया था लोन छोटा सा 5-6 हजार का, वो पेमेंट कर दिया, फिर अपने आप लोन क्रेडिट हो रहा है, फिर मतलब 5,000 रुपया क्रेडिट हो रहा है, दूसरी जगह 9,000 रुपया करीब में पेमेंट आ रहा है, नहीं करने पे सब ब्लैकमेल कर रहे हैं कि इनको मतलब पूरा कॉन्टेक्ट लिस्ट का फोटो भेज रहे हैं। तो ये सिलसिला कैसे हुआ, कैसे आप इनके चक्कर में फंसे फ्रॉड एप्लीकेशन के? नहीं, जैसे क्या मुझे जरूरत थी, माता जी को हार्ट अटैक आया था तो मैं एडमिट करा था, तो पैसे की जरूरत थी, तो उस टाइम मुझे 6-7 हजार के कम पड़ रहे थे। तो इंस्टाग्राम पे इन लोगों का आता है ना, इंस्टाग्राम पे मतलब छोटे छोटे क्लिप आता है, तो वहीं से मैंने डाउनलोड किया था। अब मुझे क्या पता, मतलब 7 दिन में पेमेंट करना था, तो मैं पहला और दूसरा पहला पेमेंट कर दिया, फिर अपने आप एक बार क्रेडिट हो गया और पैसा उसको भी मैंने कर दिया। आप सुबह से परेशान करके रखे हैं। नहीं तो देखिए, ये लोग फ्रॉड एप्लीकेशन है, ठीक है, फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट नहीं करना होता, रिपेमेंट कर दीजिएगा तो और ज्यादा ब्लैकमेल करता है सर। ये लोग सोच लेता है ना कि ये सामने वाली पार्टी डर चुकी है, यही ना समझेगा। मान लीजिए कि रिपेमेंट के लिए बोला, वो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप काम कर रहे हैं, तो वही ना समझेगा कि आप डर चुके हैं, डर के मारे पैसा दिया है। अपने आप क्यों सही से आ रहा है अकाउंट में, जबकि मैं मांग भी नहीं रहा हूँ, मतलब अपने आप पेमेंट आ रहा है। तो फ्रॉड एप्लीकेशन का, फ्रॉड एप्लीकेशन का यही ना काम है, आप मांगिए चाहे मत मांगिए, वो तो पैसा आपके अकाउंट में डालेगा, प्रूफ के तौर पे प्रूफ पे पैसा दिए हैं, तो पब्लिक को लगेगा कि हाँ भाई पैसा आया है, तो ये हो सकता है लीगल एक्शन हो सकता है, घर पर आ सकता है। 9,000 रुपया मांग रहे हैं उसके जगह, ना ना पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है। देखिए हम लोग डाटा वाटा रिमूव कराते हैं, ठीक है, फ्रॉड एप्लीकेशन हो चाहे NBFC हो, हम लोग डाटा रिमूव कराते हैं, जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट गैलरी जो भी इनके पास गई रहती है सर, चीज रिमूव हो जाता है, उनमें कोई डरने वाली यहाँ पर बात नहीं रहती है। ये सब क्या करना पड़ेगा मुझे? उसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर भेज दीजिए, हाँ 1 घंटे में आपका रिमूव हो जाएगा, उनके पास हम भेज देंगे, आपका जो फाइल है ट्रांसफर कर देंगे, वो 100% रिमूव कर कर आपको दे देंगे प्रूफ के साथ। और अच्छा, और जो आया उनका पैसा उतना ही भरना पड़ेगा ना? पैसा वैसा आपको कोई भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पैसा वैसा कुछ भरने की जरूरत। तो आपको आपको कितना देना पड़ेगा चार्ज? देखिए